Students, today we'll start with exercise number 2.4. Now, the first question of this exercise is based on the associative property of multiplication. And what is the associative property of multiplication? That changing the order of numbers does not make any difference to the product. जब मैं नंबर्स का ऑर्डर चेंज करती हूँ तो मेरे प्रोडक्ट पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है. दैट्स द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. और ये कैसे हम कर क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट. मींस इन नंबर्स को रीअरेंज करो. ये जो नंबर्स गिवन है इनको रीअरेंज करो इन अ सूटेबल वे. एंड व्हाट्स द सूटेबल वे ऑफ रीअरेंजिंग द नंबर्स, कि उनको मैं इस तरह से उनका ऑर्डर चेंज करूं कि मेरा मल्टीप्लिकेशन इजी हो. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव पुट अ क्रॉस ऑन दिस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 × 694 × 125 × 2. तो क्या करना है मुझे, रीअरेंज करना है नंबर्स को. पर कैसा रीअरेंजमेंट होना चाहिए कि मेरा मल्टीप्लिकेशन इजी हो. सो व्हाट आई हैव डन इज इक्वल टू 125 × 2 × 4. इस 2 × 4 को मैंने राउंड ब्रैकेट्स में रखा. इन तीनों नंबर्स को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा. और देन इंटू 694, दिस इज 4. तो आपको पता है राउंड ब्रैकेट्स आर सॉल्व फर्स्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स आर सॉल्व लेटर. कैसे, हमने फिफ्थ में पढ़ा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग द ब्रैकेट्स. वी आर सी एस. वी स्टैंड्स फॉर वेनिकुलम, आर फॉर राउंड, सी फॉर कर्ली एंड एस फॉर स्क्वायर. तो राउंड पहले सॉल्व होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से. तो पहले मैंने राउंड वाला ब्रैकेट सॉल्व किया. राउंड वाले ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा था, 2 × 4. 2 × 4 इज 8. अब 8 को मैं 125 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 1000. तो 1000 × 694 में इस 1000 के 3 जीरोस पीछे से ऐड हो जाएंगे एंड माय आंसर इज 694000. सी हाउ मेरा मल्टीप्लिकेशन कितना इजी हुआ. क्यों, क्योंकि मैंने पहले ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जिनको मल्टीप्लाई करके मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस में जीरो आ रहा था. और जब फिर मुझे पता ही है 10 या 10 के मल्टीपल से जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसका सबसे रूल क्या होता है, उसमें उतने जीरोस ऐड हो जाते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. देन इज योर सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज 5 × 3996 × 20 × 2. तो क्या करूँगी, पहले मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 20 × 2 × 5 इनको ब्रैकेट में रखा, फिर इंटू 3996. अब एक स्टेप मैंने स्किप किया बिकॉज दीज वेयर टू स्मॉल नंबर्स टू मल्टीप्लाई. तो मैंने कहा कि इन तीनों को एक बार में ही करती हूँ मल्टीप्लाई. 20 × 2 इज 40 एंड 40 × 5 इज 200 एंड 200 × 3996 कैसे करेंगे, 3996 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पीछे से दो जीरोस ये ऐड कर देंगे. तो जब मैंने 3996 को 2 से मल्टीप्लाई किया मेरा आंसर आया 7992. और फिर इस 200 के दो जीरोस मैंने पीछे से ऐड किए एंड माय आंसर प्रोडक्ट क्या आया, 799200. एंड व्हाट्स द नंबर, 799200. सिमिलरली कम टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या है, 2 × 9897 × 5. तो करो कैसे, क्या करना है मुझे, ऑर्डर चेंज करना है नंबर्स का. और ऑर्डर कैसे, जैसे मैं उस तरह से जिस तरह से मेरा मल्टीप्लिकेशन ईजी हो. तो मैंने किया इज इक्वल टू 2 × 5 को पहले किया मल्टीप्लाई, फिर उसके साथ में 9897 को मल्टीप्लाई किया. 2 × 5 इज 10. 10 × 9897 इज 9897 0. नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट. व्हाट इज फोर्थ पार्ट, 725 × 8 × 15 × 20. पहले मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगी. देखने से ही पता चलता है जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ
प्लेसेस पे क्या आएगा, जीरो. तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स, 8 × 15 × 20 को राउंड ब्रैकेट्स में लिखा एंड देन आई क्लोज दिस स्क्वायर ब्रैकेट ऑल्सो. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ पहले ये 50 × 20 सॉल्व होगा, फिर जब इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा तो उसके साथ ये 8 मल्टीप्लाई होगा. यही है ना, क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होते हैं और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो करो 15 × 20 इज 1000, कैसे, 2 × 5 = 10, फिर इसका एक ज़ीरो और इसका एक ज़ीरो, आया 1000. 1000 × 8 इज 8000, और 8000 × 725 कैसे करेंगे, 725 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 8000 के तीन ज़ीरोस पीछे से ऐड कर देंगे. तो करो 725 को 8 से मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे, पहले 8 × 5 = 40, 0, 4 आया कैरी, 8 × 2 = 16, 16 + 4 इज 20, 0, 2 आया कैरी, 8 × 7 = 56, 56 + 2 = 58. तो क्या आया मेरा मल्टीप्लाई करके 725 × 8, 5800. और फिर इस 8000 के तीन जीरोस मैंने पीछे से लगा दिए और मेरा आंसर आया 5800000 एंड व्हाट्स द नंबर, 58 lakh. ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू. द क्वेश्चन नंबर टू इज एक्चुअली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. ये भी ओवर एडिशन, ये भी ओवर एडिशन, ये ओवर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ए पार्ट. ए पार्ट क्या है, 7909 × 98 + 7909 × 2. कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, क्या बन रहा है, ए इंटू बी प्लस सी बन रहा है ना, ये और ये कॉमन, दिस इज द सेम नंबर. तो ये बना मेरा ए और ये बी और ये सी. तो ए इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होता है, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी. तो देखो ये यही है ना, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो वो किसके बराबर होता है, ए इंटू बी प्लस सी. तो मैंने क्या, इज इक्वल टू ए को बाहर कॉमन निकालो, 7909 + 98 × 2, ए इंटू बी प्लस सी. तो करो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बी प्लस सी इज 100, तो 7909 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आंसर आएगा. ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट भी सेम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. देखो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये दो नंबर्स सेम है तो ये क्या बनेगा, ए और ये क्या बनेगा, बी और ये सी. तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी किसके बराबर होता है, ए इंटू बी प्लस सी. तो ए को कॉमन निकाला, इंटू बी प्लस सी को ब्रैकेट्स में लिखा, तो ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगे तो किया बी प्लस सी को ऐड, प्लस करके क्या आया मेरा 100. 45 + 55 = 100. तो करो इन दोनों को मल्टीप्लाई और मेरा आंसर ये आया. ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट फिर है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, है ना. तो ए को कॉमन निकाला, ए इंटू ब्रैकेट्स में बी प्लस सी, क्योंकि ये बी ये सी. तो 38 + 62 = 100. तो 1297 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1297 00. नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में क्या साइन है, माइनस. तो ये बनेगा ए इंटू बी माइनस सी, है ना. देखो ये और ये कॉमन है तो ये ए बनेगा, इनमें से ये बी बनेगा और ये सी बनेगा. तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या था, ये था 97 × 7198. तो मैंने इसको ऐसे एक स्टेप ऐड किया ताकि आपको अंडरस्टैंड होने में इजी हो जाए. मैंने किया ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी,
यहाँ पे था c इंटू ए, मैंने इसको a इंटू सी बना दिया. क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स इज एसोसिएटिव. यहाँ पे क्या था, ये c था, ये a था, ये c इंटू ए था, लेकिन c इंटू ए इज ऑलवेज इक्वल टू a इंटू सी. तो मैंने एक स्टेप ऐड कर दिया, मैंने इसको a इंटू सी बना दिया. अब क्या करूँगी, a कॉमन निकालो. तो निकाला 7198 इंटू ब्रैकेट्स में क्या आएगा, b माइनस सी. तो b माइनस सी पहले सॉल्व होगा. क्यों? क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं. तो ब्रैकेट, जब मैंने b माइनस सी सॉल्व किया, मेरा आंसर आया 100. b था 197, c था 97, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 आंसर आएगा. फिर 7198 को 100 से मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर आया 7198 और ये दो जीरो. सो माई क्वेश्चन नंबर टू इज ऑल्सो डन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थ्री. अब क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री में, इसने मुझे बोला है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग प्रॉपर्टीज. तो कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज होगी, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन यूज करूंगी या ओवर सब्ट्रैक्शन यूज करूंगी, वो डिपेंड करता है कि मेरा मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन से ईजी हो जाएगा या ओवर सब्ट्रैक्शन से ईजी हो जाएगा. मतलब एक नंबर को मुझे, जो ये दो गिवन नंबर्स हैं, इनमें से एक नंबर को मैं तोड़ूंगी किस तरीके से, या तो मैं उसको दो नंबर्स के सम के बराबर बनाऊंगी या मैं उसको दो नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के बराबर बनाऊंगी. और बनाऊंगी किसके अकॉर्डिंग, जिससे मेरा मल्टीप्लीकेशन ईजी हो जाए. तो पहला देखो क्या है पार्ट, 7909 इंटू 991. तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 7909 इंटू 991. और जब ऐसे क्वेश्चंस हम करते हैं, हमने कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज़ किए वो हम लिखते हैं. तो मैंने लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, आप सभी में ये प्रॉपर्टी लिखोगे. ओवर सब्ट्रैक्शन है तो ओवर सब्ट्रैक्शन लिखोगे, ओवर एडिशन है तो ओवर एडिशन लिखोगे. तो कम टू द क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन था 7909 इंटू 991. तो मुझे क्या करना, एक नंबर को इस तरह से ब्रेक करना है कि या तो वो दो नंबर्स का सम हो जाए या वो दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाए, लेकिन जो जिससे मेरा मल्टीप्लीकेशन ईजी हो उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको ब्रेक करूंगी. तो मैं जब 991 को, इसको दो तरीके हैं ब्रेक करने के, या तो इसको 900 प्लस 91 करो या 900 प्लस 90 प्लस 1 करो, तो वो ओवर एडिशन हो जाएगा. लेकिन ज़्यादा इजी हो जाएगा ओवर सब्ट्रैक्शन करना. 1000 माइनस 9 कितना होता है, 991. मतलब ये 991 इसके बराबर है, किसके बराबर, 1000 माइनस 9 के बराबर. तो करो फिर, अब हम 7909 इंटू दिस, इसको मैंने क्या किया, ब्रेक किया. कैसे ब्रेक किया, 1000 माइनस 9. तो इसका मतलब है 1000 माइनस 9 इन दोनों नंबर्स को ये 7909 मल्टीप्लाई करेगा. तो इन दोनों को मैंने क्या किया, ब्रैकेट में रखा. सॉरी, तो ये क्या बना, a इंटू बी माइनस सी. a इंटू बी माइनस सी, तो a इंटू बी माइनस सी किसके बराबर होता है, a इंटू बी माइनस a इंटू सी. तो करो पहले a इंटू बी, मतलब 7909 इंटू 1000 माइनस a इंटू सी. तो 7909 इंटू 9 है ना, a इंटू बी माइनस a इंटू सी. तो दोनों को फिर मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करना आपको आता है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू. तो 7909 में क्या हो जाएगा, जब मैं उसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी, 790 में तीन जीरोस ऐड हो जाएंगे माइनस. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 9 81 लिखा, 8 कैरी आया, 9 0 0 0 प्लस 8 इज 8. फिर 9 9 81 लिखा, 8 कैरी आया, 9 7 63 63 एंड 8 इज 71. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, मेरा आंसर ये आएगा. एंड व्हाट्स द नंबर, 78,37,819. ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना, आई डोंट फील कि यू नीड टू शो हाउ वी सब्ट्रैक्ट द नंबर्स.
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और मेरा आंसर ये आया, ठीक है। एंड ये कौन सी प्रॉपर्टी बनी मेरी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नाउ कम टू द बी पार्ट, व्हाट इज बी पार्ट, सेकेंड पार्ट, इज 4980 इंटू 507, 4980 इंटू 507। और देखो ये देखने से ही लगता है कि ओवर एडिशन से बहुत इजी हो जाएगा, 500 प्लस 7, इसको मैं कैसे ब्रेक करूँगी, 500 प्लस 7, तो लिखा मैंने, इसको बनाया मैंने ए इंटू बी प्लस सी, ये ए इंटू, इसको दो नंबर्स में, दो नंबर्स का एडिशन बनाया, कैसे, 500 प्लस 7, और 500 प्लस 7 को ब्रैकेट्स में लिखा, तो अब ये क्या बना, ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। और साथ में क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। कम टू द क्वेश्चन, दिस इज ए इंटू बी प्लस सी, तो ए इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो करो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 4980 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये दो जीरो साथ में ऐड कर देंगे, और 4980 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को फिर आपस में क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि दिस वॉज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, तो दोनों को ऐड करके मेरा आंसर ये आएगा, और व्हाट्स द आंसर, 25,24,860। एक बार मैं फिर से बेटा आपको ना मल्टीप्लाई करके बताऊंगी, ये दो जीरोस क्या करेंगे, 4980 इंटू 500 कैसे करेंगे, 4980 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें ये दो जीरोस ऐड कर देंगे, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। पहले 5 से मल्टीप्लाई, 5 जीरो ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40, 0 लिखा 4 कैरी आया, 9 5 ज़ा 45, 45 एंड 4 इज 49, 9 लिखा 4 कैरी आया, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 इज 24, तो मेरा आया 24900, और अब इस 500 के दो जीरो साथ में ऐड हो जाएंगे, फिर प्लस, अब 4980 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कैसे, 7 जीरो ज़ा 0, 7 8 ज़ा 56, 6 लिखा 5 कैरी आया, 7 9 ज़ा 63, और क्या कैरी आया था, 5, 63 एंड 5 इज 68, 8 लिखा 6 कैरी आया, 7 4 ज़ा 28, 28 एंड 6 इज 34, और इन दोनों को ऐड करके फिर मेरा ये आंसर आया, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज 815 इंटू 754। अब देखो मैंने इसको पहले, मेरा, मुझे लग रहा है कि मेरा मल्टीप्लीकेशन इस 800 को ब्रेक अगर मैं करूँगी मेरा मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा ईजी हो जाएगा, तो मैंने पहले इसको लिखा 754 इंटू 815, ठीक है। तो अब इस 815 को मैंने ब्रेक किया, कैसे, आई मेड इट इक्वल टू द एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स, क्यों, या तो मैं इसको दो नंबर्स का एडिशन बनाऊंगी तो ये बनेगा 800 प्लस 15, लेकिन तब भी मेरा थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन डिफिकल्ट होगा, तो मैंने इसको तीन नंबर्स के एडिशन के बराबर बना दिया, किसके बराबर, 800 प्लस 10 प्लस 5। अब मेरा बी इंटू सी की जगह आया बी इंटू सी इंटू डी, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक अब हो जाएगा ए इंटू बी प्लस बी, ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी, ठीक है। जब मैंने इस 815 को ब्रेक किया तीन नंबर्स के सम के बराबर, तो ये बना 800 प्लस 10 प्लस 5, तो तीनों को किस में रखूंगी, ब्रैकेट्स में, क्यों, क्योंकि इन तीनों को ये नंबर मल्टीप्लाई करेगा ना, तो लिखा मैंने 754 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 800 प्लस 10 प्लस 5 ब्रैकेट्स क्लोज। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो ब्रैकेट के बाहर का नंबर है ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो करो, बना ए इंटू बी 754 इंटू 800 प्लस ए इंटू सी, तो बना 754 इंटू 10 प्लस ए इंटू डी 754 इंटू 5। तो अब क्या करेंगे, स्टार्ट मल्टीप्लाइंग 754 इंटू 800,
is equal to this, 754 into 10 is equal to this, and 754 into 5 is equal to this. इन इसका मल्टीप्लिकेशन अब मेरे पास आ गया, तो तीनों को क्या करेंगे, ऐड. ठीक है, नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट. व्हाट इज फोर्थ पार्ट? फोर्थ पार्ट इज 3023 प्लस, सॉरी, इनटू 3023 इनटू 612. तो अब दोबारा से मैं 612 को ब्रेक करूंगी किसमें, तीन नंबर्स के एडिशन के बराबर. और कैसे बनेगा वो, 600 प्लस 10 प्लस 2. तो इस 600 प्लस 10 प्लस 2 को ब्रैकेट्स में रखूंगी और इनटू दिस 3023. तो इसका मतलब है ये नंबर इस नंबर को भी मल्टीप्लाई करेगा, ये नंबर इस नंबर को भी मल्टीप्लाई करेगा, ये नंबर इस नंबर को भी मल्टीप्लाई करेगा. तो ये बना ए इनटू बी प्लस सी प्लस डी. तो ये बनेगा ए, वो किसके बराबर बनेगा, वो बनेगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी. तो करो 3023 इंटू 600, 3023 इंटू 600 प्लस 3023 इंटू 10, 3023 इंटू 10 प्लस 3023 इंटू 2, 3023 इंटू 2. अब मल्टीप्लाई करो 3023 को 600 से, तो आंसर ये आएगा. 3023 को 10 से, तो आंसर ये आएगा. 3023 को 2 से, तो आंसर ये आएगा. तीनों को ऐड करो और आंसर ये आएगा. एंड व्हाट्स द नंबर? 1,50,076. इसका फिफ्थ पार्ट है, वो आप खुद से करोगे. क्या है? 356 इंटू 106. तो क्या करोगे इसको, इस 106 को ब्रेक करोगे. कैसे? 356 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 100 प्लस 6 और ब्रैकेट क्लोज. तो आपका बनेगा ये ए इंटू बी प्लस सी. तो ए इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होता है? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन खुद से करोगे फिफ्थ पार्ट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ दिस एंड दिस. ठीक है, मुझे किसका प्रोडक्ट फाइंड करना है? लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर. एंड व्हाट्स द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर? 999. उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के सम से. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. पहले मैंने लिखा लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज इक्वल टू 999. इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के सम से. तो मैंने लिखा सम ऑफ 2456 एंड 344 इज इक्वल टू 2456 प्लस 344. इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 2800. ठीक है, अब मुझे लेकिन एक्चुअल में क्या करना था, मुझे प्रोडक्ट फाइंड करना था लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर एंड सम ऑफ दिस एंड दिस. तो देयरफॉर इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 2800 इंटू 999. तो अब मैं इसको क्या करूँगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करूंगी, या ओवर एडिशन या ओवर सब्ट्रैक्शन. लेकिन ये तो ओवर सब्ट्रैक्शन से बहुत ईजी हो जाएगा. तो मैंने लिखा 2800 इंटू 999 को दो नंबर्स के सम के इक्वल बनाया. 999, देखो 1000 माइनस 1 इज 999. तो इस 1000 माइनस 1 को मैंने ब्रैकेट्स में लिखा एंड देन ये क्या बना, ए इंटू बी माइनस सी. है ना, ऐसे ही करते हैं ना बेटा, जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओवर एडिशन या ओवर सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो एक नंबर को हम ब्रेक करते हैं किस हिसाब से, ताकि वो दो नंबर्स के सम के इक्वल हो या दो नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के इक्वल हो. तो यहाँ पे जो 999 था, इसको मैंने दो नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के इक्वल टू किया. कैसे? 1000 माइनस 1, और 1000 माइनस 1 कितना होता है? 999. तो अब मेरी ये फॉर्मूला बनी ए इंटू बी माइनस सी. और ए इंटू बी माइनस सी किसके बराबर होता है? ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी. तो करो ए इंटू बी 2800 इंटू 1000 माइनस ए इंटू सी 2800 इंटू 1. दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये आंसर आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये आंसर आया. दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, फिर
क्यों? क्योंकि ओवर सब्ट्रैक्शन मेरी बनी. मैंने कैसे सॉल्व किया इसको? ओवर सब्ट्रैक्शन से, और दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट किया, मेरा आंसर आया ये. एंड व्हाट्स द नंबर? 27,97,200. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th. इसमें सारे ही क्वेश्चंस, अब जो ये क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और सारे ही क्वेश्चंस हम, और सारी ही वर्ड प्रॉब्लम्स मल्टीप्लिकेशन की है, लेकिन हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, चाहे वो ओवर एडिशन हो चाहे वो ओवर सब्ट्रैक्शन हो, दैट डिपेंड्स किससे मेरा मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद 5th क्वेश्चन. क्या है 5th क्वेश्चन? इन अ फैक्ट्री इतना टॉयज आर मेड इन अ डे, हाउ मेनी टॉयज विल बी मेड इन अ मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज. ऑब्वियसली टॉयज उतने ही बनेंगे जितने वर्किंग डेज होंगे, है ना, जितने वर्किंग डेज होंगे उसी उस जिस जो वर्किंग डे होगा उसी दिन टॉयज बनेंगे. जो वर्किंग डे नहीं होगा, जैसे सैटरडे, जैसे कोई सैटरडे वर्किंग नहीं होती है, या संडे सारी ही वर्किंग नहीं होती है, तो उन दिनों टॉयज तो नहीं बनेंगे ना. तो कह रहा है कि अगर एक दिन में इतने टॉयज बनते हैं, तो बताओ एक महीने में जिसमें कि 25 वर्किंग डेज थे, कितने टॉयज बनेंगे. मीन्स मुझे 25 डेज में कितने टॉयज बनेंगे ये निकालना है. तो हाउ इजी इट इज़? एक का पता है, ज़्यादा का निकालना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. नंबर ऑफ टॉयज मेड इन वन डे इज इक्वल टू 3,265. दिस डिजिट इज 6. 3,265. देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज मेड इन 25 डेज इज 3,265 मल्टीप्लाइड बाई 25. लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. तो मैंने इस 25 को ब्रेक किया और बनाया इसको इक्वल टू द एडिशन ऑफ टू नंबर्स और 20 + 5. तो इस 25 को जब मैंने 20 + 5 लिखा, तो दोनों को किस में लिखूँगी? ब्रैकेट्स में. क्यों? क्योंकि ये नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा. तो करो, ये क्या बना? अब फॉर्मूला क्या बनी? a इंटू बी प्लस सी. जब ये a इंटू बी प्लस सी बनी, तो वो किसके बराबर होता है? a इंटू बी प्लस a इंटू सी. तो ये बनेगा 3,265 इंटू 20 प्लस 3,265 इंटू 5. 3,265 इंटू 20 इसके बराबर, 3,265 इंटू 5 किसके बराबर? इसके बराबर, सॉरी. तो दोनों को क्या किया? ऐड करके आया आंसर 81,625. हेंस 81,625 टॉयज विल बी मेड इन अ मंथ ऑफ, विल बी मेड इन अ मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज. समझ आया? एक दिन में कितने टॉयज बनते थे ये मुझे गिवन था. मुझे निकालना था कि एक महीने में कितने टॉयज बनेंगे अगर उसमें 25 वर्किंग डेज हैं. तो सिंपल, मतलब मुझे 25 डेज में कितने टॉयज बनेंगे ये निकालना था. तो मैंने क्या किया? एक दिन में जितने टॉयज बनते हैं उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई किया, लेकिन फिर इसको मैंने ब्रेक किया एंड आई मेड इट इक्वल टू द एडिशन ऑफ टू नंबर्स. 25 को मैंने किसके बराबर बना दिया? 20 + 5. और फिर इसमें यूज हुई प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, है ना. तो मेरा आंसर आया 81,000. सारा कुछ सॉल्व करके आई केम अप विद द आंसर एंड दैट्स इक्वल टू द 81,625. एंड देन आई रोट माई लास्ट स्टेटमेंट, हेंस 81,625 टॉयज विल बी मेड इन अ मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज. ठीक है. सिमिलरली आई हैव क्वेश्चन नंबर 5. अ डीलर परचेज्ड 125 कंप्यूटर सेट्स. इफ द कॉस्ट ऑफ ईच इज रुपीज 21,346, डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर सेट्स. कॉस्ट ऑफ ईच मीन्स एक कंप्यूटर की कॉस्ट, मतलब मुझे एक कंप्यूटर की कॉस्ट दी है और मुझे 125 कंप्यूटर्स की कॉस्ट फाइंड करनी है. तो कितना इजी है, क्या करेंगे?
एक की पता है कॉस्ट, ज्यादा की निकालनी है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई। लिखा मैंने कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर इज इक्वल टू रुपीज 21,346। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 125 कंप्यूटर्स इज इक्वल टू 221,346 इंटू 125। साथ में साइन लिखा है ना, साइन लिखना इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। तो रुपीज 21,346 इंटू 125। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करूँगी। तो इस 100 को मैंने, सॉरी इस 125 को मैंने तीन नंबर्स के सम के इक्वल लिखा। कौन कौन से, 100 प्लस 20 प्लस 5। जब मैंने इसको ब्रेक किया और बनाया तीन नंबर्स के एडिशन के बराबर, तो इसको किस में लिखूंगी, ब्रैकेट्स में। ब्रैकेट्स में लिख के मेरी क्या फॉर्मूला बनेगी, ये a इंटू बी प्लस सी प्लस डी। और वो किसके बराबर होगा, वो होगा a इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी। ठीक है, तो जब मैंने ये तीनों नंबर्स, सॉरी 125 को ब्रेक किया तीन नंबर्स के एडिशन के इक्वल टू, और मैंने इसको किस में रखा, राउंड ब्रैकेट्स में, और बाकी को स्क्वायर ब्रैकेट्स में। क्यों, क्योंकि मुझे ये रुपीस का साइन भी चाहिए था ना। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू रुपीस ब्रैकेट स्टार्ट 21346 इंटू 100 प्लस 21346 इंटू 20 प्लस 21346 इंटू 5। 21346 इंटू 100 ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी। तो करो तीनों को अब मल्टीप्लाई। सो 21346 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। 21346 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। और 21346 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। और तीनों को आप क्या करेंगे, ऐड, और ये आंसर आया। एंड व्हाट इज द नंबर, 26,68,250। ठीक है, तो हेंस कॉस्ट ऑफ 125 कंप्यूटर्स इज रुपीज 26,68,250। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन आई होप सबको आती है ना। मैं चलो इसमें भी बता देती हूँ। 21346 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 21346 में दो जीरोस पीछे ऐड हो जाएंगे तो आया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये। अब 21346 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, मींस करो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे से इस 20 का जीरो ऐड कर देंगे। तो करो 2 से मल्टीप्लाई, 2 6 12, 2 लिखा 1 कैरी आया, 2 4 8, 8 प्लस 1